नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे फ्रेंड्स फ्रेंड्स सर्दियों का मौसम आ चुका है और बच्चों को सर्दी जुकाम भी होना स्टार्ट हो गया है बहुत सारे बच्चों को तो पहले से ही आ, सर्दी जुकाम होने लगता है जैसे कि मेरा बेटा है उसको तो गर्मियों के मौसम में भी आ, जुकाम या फिर सर्दी या खांसी ऐसा हो जाता है तो मैंने क्या क्या होम रेमेडीज किया है या मैं क्या करती हूं जिससे कि उसको बहुत फायदा होता है क्योंकि उसको अक्सर सर्दी खांसी ये सब हो जाता है फ्रेंड्स तो वही चीज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स तो लास्ट तक जरूर देखिएगा पहली चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सर्दी जुकाम का जो भी होम रेमेडीज़ होता है ये आपको फर्स्ट स्टेज में यानी कि शुरू शुरू में ही आप अगर बच्चे को हुआ है उस टाइम पे अगर आप यूज करोगे तो ही ये हेल्पफुल होगी अदरवाइज अगर ये आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया सर्दी खांसी जुकाम तो आपको होम रेमेडीज के साथ साथ मेडिसिन भी लेना ही पड़ेगा लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में ही शुरुआत में ही बच्चे के साथ होम रेमेडीज स्टार्ट कर दोगे तो ये गारंटी है कि बच्चे किसको आपको टैबलेट या फिर बच्चे को आपको सिरप किस कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए बच्चों के जो खांसी जब होती है ना तो बच्चे को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है बच्चा ना बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाता है बच्चे को कुछ भी करने में मन नहीं लगता है तो सबसे पहला चीज जो जरूरी है कि बच्चे को आप सांस लेने में इनहेल करने में आप उसकी हेल्प करो उसको जल्दी से जल्दी आप उसको ठीक करो तो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है अच्छा रोल प्ले करता है होम रेमेडीज वो है स्टीम फ्रेंड्स स्टीम बच्चे को एकदम मेरिकल का काम करता है आप देखोगे मेरे बेटे के साथ तो स्टीम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स लेकिन इसमें आपको दो चीज ध्यान रखना है फ्रेंड्स पहली चीज की आपको स्टीम देने आना चाहिए किस तरह से आप स्टीम बच्चे को दे रहे हो दूसरी चीज की आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीम देने के बाद आपको क्या करना है अगर आप स्टीम देने के बाद कुछ ऐसा कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए तो पता चला कि उल्टा ही असर हो रहा है बच्चों के ऊपर तो ये दो चीज का आपको पता होना चाहिए इस न फ्रेंड्स बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करती है उसके नाक को खोलने में उसके गले में जो खराश होती है म्यूकस को पिघलाने में ये सब में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है फ्रेंड्स तो आप जब बच्चों को स्टीम देंगे न, तो म्यूकस पिघल करके पेट में जाएगा और फिर पॉटी के थ्रू वो जो है वो बाहर निकल जाएगा तो इसलिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चे को स्टीम दीजिए या फिर आप नेबुलाइजर का भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स मैं ये वाला नेबुलाइजर यूज करती हूँ अपने बच्चे के लिए आप भी ये यूज कर सकते हो या फिर आपको जो भी मिल जाए लोकल मिल जाए या फिर ऑनलाइन आपको लेना है आप उसे ले लो नेबुलाइजर का भी यूज जरूर कीजिए फ्रेंड्स तो नेबुलाइजर में क्या है वो भी बच्चे को जो है वो नाक के पास लगा रहेगा और बच्चे को हेल्प करता है वो गर्म गर्म हवा जाती है अंदर में स्टीम जाता है अंदर में तो बच्चे का म्यूकस पिघलाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है फ्रेंड्स तो मैं तो बच्चों को घर में स्टीम ही देती हूँ तो ये तो हो गया फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए बच्चों के सांस को लेने में आराम कैसे दिलाए। अब बात करते हैं बच्चे को कुछ भी पसंद नहीं आता है। और हम एज अ पेरेंट्स एज अ मॉम परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं खा रहा थोड़ा भी नहीं खा रहा है तो एक बात मैं आप लोग के साथ कहना चाहूंगी कि इस टाइम पे बच्चे को खिलाने से ज्यादा पिलाने पे ध्यान दीजिए मतलब कि बच्चे के सॉलिड से ज्यादा बच्चे के लिक्विड पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स आप जितना ज्यादा बच्चे को लिक्विड इनटेक करवाइएगा बच्चे का खांसी जो है उतना जल्दी ठीक होगा कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि खाने में कार्ब जो है वो कम डालें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्ब जो होता है फ्रेंड्स वो खांसी को जो है वो हेल्प करता है बढ़ने में वहीं पे अगर आप प्रोटीन खिलाओगे बच्चों को प्रोटीन रेज फूड खिलाओगे बच्चों को तो या फिर पिलाओगे तो वो क्या करता है वो खांसी को दबाता है खांसी को खत्म करता है तो कोशिश कीजिए कि प्रोटीन रेज फूड खिलाया जाए जितना हो सके आप उसको लिक्विड दीजिए फ्रेंड्स आप ओ दीजिए आप उसको नारियल पानी भी दे सकते हो आप उसको दोपहर के मौसम में थोड़ा बहुत जूस फ्रूट्स भी दे सकते हो या फिर आप बच्चे को सूप दिलाइए पिलाइए गर्म गरम सूप पिलाइए इससे बच्चे को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा आप चिकन सूप दे सकते हो मिक्स वेज वेजिटेबल सूप दे सकते हो तो मतलब कहने का है कि आप लिक्विड चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए और बच्चे को एनर्जी भी उससे मिलती है फ्रेंड्स हमने ये चीज बहुत ज्यादा किया है रुद्र के साथ कि रुद्र को हम लोग रोज शाम के टाइम पे स्टीम देते थे पूरा दिन मान लो स्कूल गया हुआ है या फिर नहीं हो पाया तो हम लोग शाम के टाइम पे बच्चे को करीब खेल के जब वो आ जाता था उसके बाद में बता दू सात के बीच में स्टीम देना स्टीम देने के बाद का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स आपको क्या करना है बच्चे को थोड़ा सा चेस्ट में घी या फिर सरसों का तेल ये आपको यहां पे लगा देना और बच्चे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है ये आपको जरूर करना है ये नहीं है कि स्टीम देने के बाद फिर बच्चा तुरंत ठंडा ठंडा पानी पी ले या फिर बाहर खेलने चला जाए ऐसा आपको नहीं करना स्टीम देने के बाद स्टीम देने के बाद आपको बच्चे के चेस्ट में थोड़ा सा घी लगा देना है या फिर आपको सरसों का तेल लगा देना है और बच्चे को रेस्ट करने के लिए बोलना है उसके बाद थोड़ी देर के बाद बच्चे को आप मेक मे, मैजिक ड्रिंक पिलाओगे मैजिक ड्रिंक इट मींस की फ्रेंड्स हमारा घर का हल्दी दूध बना करके आपको बच्चे को पिलाना है हल्दी दूध आपको कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने बहुत पहले अपने चैनल पर डाला था बट मैं फिर आपको बता देती हूँ कि अब जो है सर्दियों के मौसम में कच्ची हल्दी मार्केट में अवेलेबल है आपको क्या करना है एक ग्लास दूध लेना है उसमें कच्ची हल्दी को ग्रेट करके आपको उसमें डालना है बॉइल हो जाए जब थोड़ी देर तो आपको उसको एक ग्लास में छान लेना है उसमें थोड़ा सा जैगरी यानी कि गुड़ मिलाना है इस ग्लास में और बच्चे को पिला देना है आप देखोगे की कितना जादू का काम करेगा ये तो आप बच्चे के साथ ये चीज डेफिनेटली ट्राई करो बच्चे को आप चाहो तो एप्पल वाला जो पानी होता है सेब का पानी भी बनता है फ्रेंड्स वो भी बहुत हेल्प करता है बच्चे को एनर्जी देने में साथ ही खांसी को कम करने में आपको एप्पल ड्रिंक कैसे बनाना है एक एप्पल लेना है फ्रेंड्स उसको ग्रेट कर लेना है उसको गर्म पानी में जो है मान लो एक ग्लास गर्म पानी है उसमें डालना है उसको बॉइल करके हाफ ग्लास वाटर बनाना है और बच्चे को दे देना है कि बच्चे सिप सिप करके उसको पियंगे आप देखेंगे बच्चे के गले में कितना रिलैक्स फील करेगा बच्चा एनर्जेटिक भी रहेगा और बच्चे की खांसी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो ये चीज जरूर आप कीजिए फ्रेंड्स देखना बच्चे का जो खांसी है बहुत जल्दी दूर हो जाएगा तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे को स्टीम दीजिए साथ ही आपको प्रोटीन रेज फूड देना है और तीसरी चीज है फ्रेंड्स आपको हल्दी वाला दूध या फिर एप्पल वाला जूस जो है वो आपको बॉयल करके बच्चे को देना है अलावा अगर आपको लगे तो आप प्रोबायोटिक का एक टेबलेट होता है फ्रेंड्स उसका पांच छह दिनों का कोर्स होता है वो करवा दीजिए बच्चे को प्रोबायोटिक मैंने रुद्र के साथ यूज किया है वो क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया को अंदर देता है जो हमारा बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो गया रहता है उसको फिर से वो एनर्जी देता है और न्यू न्यू गुड बैक्टीरिया जो है वो हमारे अंदर बनाता है तो इसलिए आप प्रोबायोटिक का एक कोर्स भी एक बच्चे को करवा सकते हो तो बस फ्रेंड्स ये बहुत ही छोटी सी वीडियो थी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ क्योंकि ना अभी सर्दी जुकाम का टाइम है मेरे बच्चे के साथ भी चीज हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ भी चीज जरूर होता होगा तो इसलिए ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ डेफिनेटली हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से आप कीजिएगा लेकिन ये सारे होम रेमेडीज तभी काम करते हैं फ्रेंड्स जब आप बच्चे को ये अर्ली स्टेज में करोगे एक चीज और मैं टिप्स देना चाहूंगी फ्रेंड्स की मेरे चैनल पे ना वो सरसों वाले तेल का वीडियो गया हुआ है जो मैंने आपको बोला ना चेस्ट पे लगा देने के लिए तो आप वो वीडियो जाकर देख रहे ना सरसों का तेल कैसे बनता है घर में लहसुन अजवाइन डाल के मैंने बनाया हुआ है वो चीज आप जाके देख लो या फिर अगर आपको किसी और चैनल पे देखना वहां जाके देख लो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और एक चीज की सोते समय बच्चे को घी जरूर लगा दीजिएगा चेस्ट पे या फिर आप विक्स वेपोरब बेबी वाला जो विक्स वेपोरब होता है फ्रेंड्स आप वो भी लगा सकते हो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो आप विक्स वेपोरब लगा सकते हो या फिर घी लगा दो एक ही बात है होम मेड विक्स वेपोरब भी बनता है फ्रेंड्स ये भी मेरे चैनल पे दिया हुआ है मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ऑयल का भी डाल दूंगी और होम मेड विक्स वैपुरब का भी डाल दूंगी तो ये सब चीज आप ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है थोड़ी हेल्पफुल लगी है तो आपको लाइक और शेयर करना बहुत सारे लोगों के साथ और अपना ध्यान रखना है बाय फ्रेंड्स टेक केयर